राज्य में मार्च 2020 तक 3 बड़े पुलों पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए जोर शोर से काम भी चल रहा है। इनमें गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों को जोड़ने वाला बंगरा घाट पुल, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिलों को जोड़ने वाला 70 घाट पुल और खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने वाला अगवानी घाट पुल शामिल हैं। इन पुलों के शुरू होने से आम लोगों के लिए आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और यात्रा में समय की बचत होगी। खगड़िया जिले के अगवानी घाट और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर 3.160 किलोमीटर लंबा 4-लेन केबल स्टेप पुल बन रहा है। इस पुल का निर्माण लागत 17 अरब 11 करोड़ रुपए है। इसे मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे उत्तर बिहार के लोगों को बहुत फायदा होगा। गंडक पर बंगरा घाट पुल मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज और गोपालगंज जिले के बीच बन रहा है। इस 3 लेन के मुख्य पुल की लंबाई 1.506 किलोमीटर और पहुंच पथ की कुल लंबाई 19.0 किलोमीटर है। इस पुल की निर्माण लागत करीब 5 अरब 9 करोड़ रुपये है। पुल बनाने की शुरुआत 11 अप्रैल 2014 को हुई थी। इसे पूरा होने का लक्ष्य जून 2019 तक था। इसका भी करीब 85% काम हो चुका है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।